और किसके पास मन में प्रश्न है तो बताओ। हाँ हाँ अपने इसमें जोड़ना चाहते हो शांति में, लेकिन जुटते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कहो, मुझे कहो भाई जी आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ, क्यों आओ मैं? क्या मुझे आप खाना देंगे, मेरी बीमारी मिटाएंगे, मुझे धन देंगे, क्यों आओ मैं आपके पास? पूछो, ये भी पूछ लो ना। अगर आपको मैं कहो, आप मुझे कहेंगे भाई जी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आज प्रोग्राम है आप आओ, तो मैं पूछूंगा ना आपको, मैं क्यों आऊँ? क्या उधर खाना मिल रहा है, पैसे दे रहे हो, कुछ मिल रहा है, क्यों आओ उधर? प्रश्न इधर है। ऐसे यहाँ वो बताना चाहिए किसी को, पहले दुनिया में अलग था, अभी अलग है। अगर कोई डॉक्टर कहेगा मेरे पास आओ मैं दवाई देता हूँ, फ्री दवाई देता हूँ, वो कहता मुझे बीमारी नहीं है, मैं आपके पास क्यों आऊँ? है ना। तो किसी को ज्ञान सुनाने से पहले पूछते हैं, बाबूजी अगर रस्ते पर मिला, बाबूजी कैसे हो? कहते बहुत अच्छा हूँ बेटा। बाबूजी लगता है ठीक नहीं, ऐसा लग रहा है। नहीं, शरीर तो ठीक है, नींद अच्छी आती है? हाँ नींद नहीं आती है, रात को बहुत बुरे स्वप्न आते हैं। हाँ शरीर अच्छा है, आत्मा बीमार है। शरीर बीमार है तो यह डॉक्टर उस दवाई देता है, आत्मा की दवाई इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मिलता है। तब कहेगा, जब उसको नींद नहीं आई, गलत विचार आते हैं, कहते कल डॉक्टर के पास जाना है, कल अपने आप बुलाओ नहीं बुलाओ अपने आप इधर आएगा। समझ आ गया? तो ज्ञान सुनाने का तरीका चाहिए। अगर आप किसी को बोलो ब्रह्मा कुमारी आश्रम मंदिर में जाओ, क्यों जाऊं मैं, तो वो बताने का तरीका। कभी किसी को मिलो, माताजी मिली, माताजी कैसे हो? कहते मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश। तो नींद अच्छी आती है? नहीं भैया नींद आती नहीं, रात को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। हाँ इसलिए मैंने पूछा कि पाप आत्मा हो, अंदर आत्मा के अंदर बहुत बीमारियां है, तो भैया क्या करूँ? देखो ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हॉस्पिटल है, यहाँ आत्मा की बीमारी ठीक किया जाता है, आप वहाँ जाओ। जब आज नहीं जाएंगे, हाँ करेंगे, जब कल रात को सोई नींद नहीं आई, बुरे स्वप्न आए, तब विचार तभी करेंगे। कल सवेरे उठते आश्रम में जा डॉक्टर के पास जाना है, रात को ही निर्णय करेंगे। तो मनुष्य को बताना पड़ता है। आज की दुनिया में हेल्थ कॉन्शियस कहा, शरीर के बीमारी के लिए ध्यान है, आत्मा की बीमारी का ध्यान नहीं। तो वो दिखाना पड़ेगा, ज्ञान सुनाने का तरीका अलग चाहिए। आएंगे अपने आप, भीड़ आएंगी। अगर एक दो के अगर बीमारी से ठीक होते ना, तो कहेंगे बिल्कुल दौड़ दौड़ के आएंगे। अंत में समय आएगा, क्योंकि डॉक्टर भी कहेगा दवाई देगा, कुछ नहीं होगा, ये पाप कोई नहीं मिटा सकता है। तब बाबा ने कहा ये एक पतित आत्मा को पावन करने वाला और कोई नहीं कर सकता है।